फरकता रह भी जाए, हो जाता है। लेकिन मैंने पूरा प्रयास किया और इस हरियाणा को प्रति व्यक्ति आय में और प्रति व्यक्ति निवेश में और विकास दर पे पूरे हिंदुस्तान में नंबर एक छोटा सा 2014। 5 साल पहले ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 154 वादे किए, 154 किसानों के साथ अलग, कर्मचारियों से अलग, गरीब आदमी से अलग, व्यापारियों से अलग। आज मैं चैलेंज करता हूं कि उस 54 में 154 में से एक भी वायदा पूरा नहीं किया। किसान की बात देख ले, किसान के आज क्या हालात है, आज बर्बादी के कगार बैठा किसान, क्योंकि लागत तो बढ़ा दी है, आमदनी घटा दी। हमारे समय में ना तो खाद पर टैक्स था, ना कीटनाशक दवाई पर टैक्स था और ना ही ट्रैक्टर पार्ट्स पे था, और डीजल पूरे उत्तर भारत में सबसे सस्ता हरियाणा में था। आज क्या भाई, हर चीज पे टैक्स, और आप खुद देख रहे हो हमारे टाइम में कट्टा कितने का था खाद का और आज कितने का है बताओ, 45 किलो 5 किलो वजन भी घटा दिया, कीमत बताना है जो 800 का था कितने का हो गया, और जो एक स्प्रे 200 में पड़े थी कितने में पड़े हैं, कीटनाशक दवाई इतना भाव बढ़ा दिया, और आमदनी दो जीरी का भाव हमारे समय मिला भाई, कदे गेहूं पे तो मंडी में लेके गए हो एक एक दाना खरीदा, अच्छा भाव मिला, ईद मंडी में आ रहा धान बहुत आता ना, ये तो किसान को 100-150 रुपए सस्ता बेचना पड़ता है। नतीजा ये है, लागत बढ़ा दी आमदनी घटा दी, नतीजा हुआ किसान कर्जे में डूब गया, सारे कर्जवान हो गए भाई। गरीब आदमी देख ले, शेड्यूल कास्ट का दलित भाइयों का देख, हमने अपने कार्यकाल में 3,82,000 100 गज के प्लॉट दिए हरियाणा में, 3,82,000 और 10,200 लीटर की तंकी घर घर लगवाई पीने के पानी का इंतजाम करने का। मेरा चैलेंज है कि भाई आज 5 साल में एक को भी किसी ने किसी को 100 गज का प्लॉट दिया तो उसका गांव का नाम बता दे, आदमी का नाम बता दे। इनके बच्चों के लिए, शेड्यूल कास्ट के बच्चों के लिए मैं वजीफा शुरू करे था पहली जमात से, उसमें भी घोटाला कर दिया। दाल रोटी की स्कीम शुरू करी थी गरीब आदमी के लिए, उसमें दाल में घोटाला कर दिया, स्कीम बंद कर दी। जो कर्मचारी हैं उनको कहा कि हम पंजाब का बराबर वेतन मान देंगे, ये उसके घोषणा पत्र के लिखे विवादे की बात कह रहे हो। आज क्या हुआ भाई, पंजाब का वेतन मान तो दूर, जो इनका एचआरए जो 7th pay commission मिलता है, वो कर्मचारी बैठे होंगे यहाँ पे, 6,000 करोड़ वो भी नहीं है, 6,000 करोड़ बनता है वो भी नहीं दिया। व्यापारी है, अब ये सरपंच साहब लिख रहा था कि इसकी आदत की दुकान है, कि भाई ये बात ठीक है, जो रिश्ता होता था किसान का राज दिया था उसको भी खत्म कर रहे हैं भाई, किसान की मर्जी पे छोड़ो। मैंने कहा था किसान से पूछो, 8 दिन रात का हमारा काम आता है, एक संबंध बनता है, उसकी मर्जी के हिसाब से करो, वो भी नहीं करा। और जो व्यापारी है वो कह भाई हमारा मुनाफा तो क्या दूर, अब तो पूंजी खा रहे, कदे GST कदे नोटबंदी, ये हर वर्ग का काम है। कानून व्यवस्था तो देख लिया, रोज बुरा हाल है पूरे प्रदेश में। आज हरियाणा जो नंबर वन हमने छोड़ा था, आज भी वो तो 9वें स्थान पर गया विकास के दर में तो, लेकिन नंबर एक है दो चीजों में, नंबर एक हो गया, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड कह रहा, सरकारी रिकॉर्ड किस चीज में, एक तो अपराध में नंबर एक है, दूसरा बेरोजगारी में, पूरे देश में हरियाणा नंबर एक सबसे ऊपर। हमारे टाइम में जो बेरोजगारी की दर निकाली जाती है, परसेंटेज निकाली जाती है, 2012 में
2.8 थी, आज 10 गुना बढ़ गई, आज 28.7 हो गई, पूरे देश में सबसे ज्यादा। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण की वृद्धि मैं करती भाई, IIMT हमने रोहतक में बनाया था और जगह बनाया, रोहतक रोहतक और IIMT बनाया था, तो यहाँ रोजगार मिलेगा बच्चों को। कोई 5 साल में एक कारखाना आया, वो भी बंद थे, जो वो भी बंद हो गए। हाँ तो मारुति मानेसर मारुति बंद हो रही है, मतलब आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर एक हरियाणा है, इस सरकार की निकम्मापन है। और बड़ी बड़ी बात कहते हैं, बड़ी वाह लूट रहे हैं कि हमने तो नौकरियां लगाई पारदर्शिता। ये नौकरी जो लगाई इन्होंने पूरे देश में, कहीं भी SS बोर्ड का कमीशन चेयरमैन सस्पेंड नहीं होया, इनको करना पड़ा। क्यों? रंगे हाथ पकड़े गए, उनके ऑडियो टेप पकड़े गए, आज भी जेल में है, नौकरियां बेची गई। जिस तरह ये परचून की दुकान होती है ना, इसके दुकानदार की, इस तरह बेची गई नौकरियां। कोई पेपर बता दो एक भी जो लीक ना हुआ हो। और अब ये करा था 15 लाख बच्चा ना, जो था 12 तो मारे गए कलर के लिए। और टेस्ट जो है ना, इस इलाके में रखा ही नहीं, भेदभाव करते, हमने कभी भेदभाव नहीं किया। यहाँ 3 दिनों में टेस्ट लिया और जा रहे बेचारे 12 बच्चे मर गए। अब कह गए नहीं, हमने 18,000 नौकरियां लगा दी बगैर इंटरव्यू के। कौन लगाए भाई? वो जो इंजीनियर थे हमारे बच्चे, जो MA थे, BCom थे, MBA थे, उनको लगाया। क्या लगाया भाई उन्हें? PM लगा दिया, चपरासी ला दिया, चपरासी लगा दिया। एक बात बताओ, अगर चपरासी लगना होगा तो हमारा बुजुर्ग कौन अपना पेट काट कर अपने लड़के को इंजीनियर बनाओगा भाई? दौरा नुकसान किया, भद्दा मजाक किया इन्होंने बेरोजगारों के साथ। क्या एक तो जो लगने चाहिए थे, जो लग सकते थे, गरीब बच्चे हैं या कम पढ़े हैं, 10वीं है 12वीं है, उनको लगना चाहिए था, वो तो लगे नहीं। और जिनको लगाया वो तो वंचित हो गए, और जिनको लगाया वो अपमानित हो गए, उन्हें ज्वाइन ही नहीं किया। मैंने कहा तुम देखो भाई, सफेद पत्र जारी करो, करो जारी, एक मिनट ये करो, तो आपके सामने वो तो वंचित हो गए, ये लग गए। जो हमारे पढ़े लिखे हैं वो तो प्राची लगा थे। मैं भिवानी गया था अभी एक दिन, वर्कर मीटिंग थी वहां मेरे पास 5-7 आदमी आए। मैं बोला हाँ भाई, बोला कि हम रेस्ट हाउस में बैठे थे तो एक MA लड़की पानी प्यार बुला रही थी। तो बोला जी वो हमने पानी मांगा, वो लड़की पानी लेकर आई, और हमारे को पता लगा यार MA लड़की है, तो हमारे को शर्म आई। हमने हाथ जोड़ के कहा बेटी पानी तो माँ प्यार पी लेंगे, तो ये काम ये प्रसिद्धि होती। और फिर उस बात की बाबा लूटते, ये तो बेरोजगारी का हिसाब कर दिया भाई, कानून व्यवस्था आपका पता है। तो क्या किया इन्होंने? कहीं कोई आप में विकास होता दिखा, गांव में हो जाओ, बाहर हो जाओ, कोई ऐसी चीज हो कर्जा सबको हो गया, हरियाणे में भी हो गया। हरियाणे का तो कर्जा का मैं हिसाब दे दू, 66 बना था हरियाणा, 2014 मैंने बजट पेश करा था आखिरी 2014 में, 66 से लेकर 2014 तक हरियाणा पे कुल 60,000 करोड़ कर्जा, जिसमें मैंने 4 पावर प्लांट भी लगाए, मेट्रो भी लगाई, रेलवे लाइन भी लगाए, यूनिवर्सिटियां भी बनाई, हर चीज बनाई। और हमने 5 साल में पता कितना कर्जा कर दिया, वो 60,000 से बढ़कर आज हरियाणा पर 1,70,000 करोड़ कर्जा है। करा क्या इन्हें? दिखाओ तो कहीं कुछ करे, सिर्फ बातें 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 बातें।
सबका समान, सबका समान, किसी का भी समान नहीं, ऐसी बात करते हैं। यानी बयान दे देगा मुख्यमंत्री जी भी, बयान दे देंगे खट्टर साहब कि आपकी बार 75 पार। ठीक कह रहा है ये, ठीक कह रहा है ये, 75 पार तो है पर किस चीज में, आपकी बार डीजल 75 पार, आपकी बार प्याज 75 पार, टमाटर 75 पार, ये तमाशे हो रहे हैं। मार दिया गरीब आदमी, कहां से जाएंगे ये आपके सामने। अब सवाल आता है, बहुत लंबी बातें हैं, मैं नहीं कहना चाहता, सवाल आता है कि भाई कौन सी सरकार आएगी तो क्या करेगी। मेरे से पूछते लोग जी आप क्या आएगी तो आप क्या करोगे, तो भाई मैंने तो जो 2005 में कहा वो किया, ज्यादा 1400 करोड़ बिजली बिल माफ करेंगे, किसान का कर्जा माफ करा, गरीब आदमी बच्चों की वजीफा शुरू करा, सारा काम किया। और भाई 2009 में भी जो कहा वो ही किया, 2014 में 154 वादे गए बीजेपी ने, एक करा तो बता दो भाई, खुली लेके सामने तो आज टाइम आ गया इनको बाहर करने का। 75 पार डीजल प्याज, डीजल प्याज ये तो कर देंगे, पर तुमने क्या करना है, तुमने बीजेपी को बाहर करना है, कि सरकार को बाहर करना है। और हमने क्या करना, हमारी सरकार बनेगी तो बात चलो, जो कहता हूं वो करता हूं, जो हम कहते हो करते। सरकार बनते ही 24 घंटे के अंदर अंदर किसान का, गरीब आदमी का, जो भूमिहीन है उनके ऊपर जो कर्जा है, कर्जा माफ करेंगे। कर्जे में डुबा कर रख दिया, और भाई जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो बुजुर्ग हैं उनकी बिरान माटी जो करी ने 5 साल में पेंशन 200-200 बढ़ाई, कहा कुछ था किया जो अगर बकरी बिंगन करती हो तो बात हर साल 200-200 बढ़ाएंगे, ये कोई तरीका है। और पेंशन कहा मिले, कोई अगर बुजुर्ग बीमार हो गया, खाट पर लौट रहा है, उठ नहीं सकता, तो खाट समेत बैंक में लेके जाओ, जब पेंशन मिलेगी। हमने खाट पर दिवाई थी कि नहीं दिवाई थी, फिर खाट पर दिवाऊंगा। दूसरी इनकी तरह नहीं, बकरी की तरह महंगा नहीं, पहले दिन पहले महीने से बूढ़े के भी 51 और बुढ़िया के भी 51। ताकि 10,200 हर महीने आवे। और एज भी बता दो जी, कितनी एज में? उम्र घटाऊंगा, हम उम्र घटाएंगे। हम बुजुर्ग की जो पेंशन 60 साल से मिलती है ना, उसकी घटाएगा तो 58 साल कराएंगे। और महिलाओं की उनकी 60 साल से घटाकर 55 साल कराएंगे। तो अपना घर का काम कर कर 55 में बूढ़ी हो रही है, उनको पर इतना बोझ पड़ता है काम का, तो ये करेंगे आपके सामने। और बहुत सारे काम हमारे जो जैसे जो मैं कह रहा था 100-100 गज के प्लॉट की बात, इनने स्कीम बंद कर दी हो, बनते ही सबको फिर चालू कराएंगे। बहुत सारे रह भी गए उनको सबको देंगे, किसी काम में जमीन नहीं है तो वहां एक्वायर करके जाएंगे, ताकि गरीब आदमी को मकान बनाए। सबसे ज्यादा समस्या जो है हमारे पास, मैं कह रहा था कि इन्होंने हमारे इंजीनियर पास वो तो चपरासी ला दिए, और जब बिजली बोर्ड में निकले ना इंजीनियरिंग जहां पढ़े लिखे की जगह थी वहां हरियाणा कितने लाए, 280 में 78 बार, तो जो करो 75 पार करना, वो 78 भी बाहर जाएंगे और ये भी बाहर जाओगे, जा नहीं सकते 78। तो ये इन्होंने नौकरी में किया है, तो भाई इसमें जो बेरोजगारी है, हम वायदा करते हैं कि भाई रोजगार देंगे सबको, पढ़े लिखों को, और जब तक रोजगार नहीं मिलेगा बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो पोस्ट ग्रेजुएट है
एम ए है उनको 10,000 रुपया महीना देंगे जब तुम चुनाव खरीदेंगे, और जो बीए है ग्रेजुएट है उनको 7,000 रुपया महीना देंगे जब चुनाव खरीदेंगे, ताकि बोझ ना पड़े। जो गरीब आदमी है जो गांव में हमारे जो भूमि ना दलित हैं उनके बच्चों का भाई वजीफा, इनने तो गड़बड़ करा दिया, घोटाला कर दिया, हम भाई पहली जमात से देंगे, पहली से बारहवीं तक 10,000 रुपए साल के देंगे, ताकि और बारहवीं से ऊपर 15,000 रुपए साल के, ताकि पढ़ाई का गरीब आदमी पर जोड़ना पड़े। ये आपके सामने है, ये कहेंगे हम, और भाई एम्प्लॉयज की बात सुनो, कर्मचारियों की, कर्मचारी को भाई पंजाब का समान वेतन मान देंगे और पुरानी पेंशन लागू कराएंगे। और जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पक्का कराएंगे, ये जो अपने सिस्टम डाल कर फिर जो गरीब परिवार हैं बीपीएल गड़बड़ करके बीपीएल शुरू से हम करेंगे सही बनाएंगे, और जो उसके हिसाब से गरीब हैं उनके जो घर पे महिला है जो चूल्हा चौकी करती है उसको हर साल 2,000 रुपया महीना देंगे, ताकि तृणमूल हो जाएगा, हर महीने साल के 24,200 देंगे वो वहां पे महिला को देंगे, बाकी कर्मचारी और आंगनबाड़ी है और सब का हमने कहा सबकी बात सुन के हम समस्या का समाधान करेंगे।